मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिलाषा टांग हाता डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, जो टॉपिक जहाँ से हमारा शुरू होता है वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि फ्लावर के स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम ये जानते हैं या आप लोगों ने पढ़ा है कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है, फूल या फ्लावर। तो उसके बारे में जनरल एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन, अ फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म्स, यानी कि एंजियोस्पर्म यानी कि ऐसे प्लांट जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक, उनको एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, दैट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ कलरफुल पेटल प्रोटेक्टिव सेपल मेल पार्ट स्टेमन एंड फीमेल पार्ट पिस्टिल। तो ये इतने पार्ट से मिलकर के फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। ठीक, फ्लावर प्ले अ क्रूशियल रोल इन अ प्लांट रिप्रोडक्शन बाय अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स, हेल्पिंग पॉलिन मूव बिटवीन मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि फ्लावर एक जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कैसे करेगा, उसके जो पार्ट्स होते हैं उसी के थ्रू, और उसके थ्रू कैसे करेगा, पॉलिनेशन करके, पॉलिनेशन करेगा यानी कि पॉलिनेटर्स यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के बाद ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की फ्लावर में स्टार्ट होती है। ठीक, इसके अलावा जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका काम करता है, तो उसमें क्रिएटिंग सीड्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू फ्रेश प्लांट, उससे क्या बनते हैं, बीजों का निर्माण होता है, सीड का प्रोडक्शन होता है, जिससे क्या होता है, एक नया प्लांट जो है वो बनता है। ठीक, इसमें जो मेल पार्ट होता है उसको स्टेमन बोला जाता है, ठीक, जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट होते हैं, वहीं फीमेल पार्ट के अंदर कार्पल और पिस्टिल होते हैं, ठीक, और स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी उसके अंदर पाए जाते हैं। यानी कि इसमें जो मेन जो पार्ट होते हैं फ्लावर के अंदर वो दो पार्ट होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, मेल पार्ट को स्टेमन और फीमेल पार्ट को कार्पल और पिस्टिल के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके अलावा और एसेसरी पार्ट भी होते हैं जो एक फ्लावर को कंप्लीट करने का काम करते हैं। एसेसरी पार्ट क्या करते हैं, जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, और ये जो दो पार्ट होते हैं ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक, अब हम एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखेंगे फ्लावर का कि उसमें ये जो पार्ट है वो कहाँ कहाँ पर डिटेल है। सो स्टूडेंट्स, स्क्रीन के ऊपर एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसमें काइंड्स ऑफ पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। ठीक, जिसमें अभी जो मैंने मौजूदा जो दो पार्ट बताए थे, जस्ट लाइक स्टेमन और कार्पल, वो आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। स्टेमन अभी मैंने आपको बताया था कि मेल पार्ट होता है, कार्पल मैंने बताया था फीमेल पार्ट होता है। तो कार्पल के जो थ्री पार्ट्स होते हैं वो है स्टिग्मा, आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, देख लीजिए ध्यान से। दूसरा पार्ट होता है स्टाइल, यानी कि उसी से जुड़ा हुआ एक पार्ट होता है, सिलेंड्रिकल लाइक, ट्यूब लाइक, उसी तरह से उससे जुड़ा हुआ नीचे ओवल शेप में ओवरी होता है जिसके अंदर सीड्स होते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा कार्पल वाला पार्ट यानी फीमेल वाला पार्ट। अब हम आते हैं स्टेमन यानी मेल पार्ट के ऊपर, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एंथर दिख रहा होगा आपको, बायलोट होते हैं ये, और इसी तरह से यहाँ पर एंथर जो जुड़ा होता है फिलामेंट से यानी तंतु से जुड़ा हुआ होता है। इस एंथर के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, पॉलेन ग्रेन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पॉलेन ग्रेन, जिसको हिंदी में बोलेंगे पराग के कण पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हो गए इसके कौन से पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, जो कि प्रजनन में भाग लेते हैं। अब इसके एसेसरी पार्ट होते हैं पेटल, ठीक है, रिसेप्टिकल, सेपल्स होते हैं, जिसको कैलेक्स करोला के नाम से भी और थैलेमस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ठीक है, तो ये आपके एक टिपिकल स्ट्रक्चर के ये पार्ट हो गए हैं। तो अब इन पार्ट्स को हम डील करेंगे कि इन पार्ट के फंक्शन और क्या क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आपने डायग्राम देख लिया फ्लावर का, अब हम सीधे उसके पार्ट्स को डिटेल करते हैं। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर एंड देयर फंक्शन, ठीक, टॉपिक है हमारा। टोटल फाइव मेन पार्ट होते हैं फ्लावर के, कौन से होते हैं, रिसेप्टिकल, सेपल, पेटल, स्टैमन एंड कार्पल। ठीक, इनके सबके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, और इन पार्ट्स को, इन पांचों पार्ट्स को दो भागों में अगेन डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये पार्ट्स आपके सामने ये चार्ट के रूप में, टेबल के रूप में दिख रहे हैं। ठीक, वेजिटेटिव पार्ट में कौन से आएंगे, सेपल, रिसेप्टिकल और पैटल। रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टेमन और पिस्टल आते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगेन वो लाइन रिपीट हो रही है कि जो फ्लावर होता है, पार्ट दैट आर नॉट फ्लावर के अंदर, ऐसे पार्ट जो कि सीड मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो गए वो, रिसेप्टिकल्स,
पेटल और सेपल होते हैं, और ऑन द अदर हैंड यानी कि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो द पार्ट दैट हेल्प मेक द सीड आर द कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट. इट इज इंक्लूड स्टैमेन एंड पिस्टल और कार्पल अलोंग विद द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर आल्सो कंसिस्ट ऑफ फोर होल्स व्हिच आर कैलिक्स, कोरोला, स्टैमेन एंड कार्पल. ठीक, इनको इस नाम से भी जाना जाता है. अब इन पार्ट्स को अगर हम आगे देखें, देखिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो कि कौन से पार्ट हो गए हमारे, रिसेप्टिकल, सेपल, पेटल, स्टैमेन, कार्पल, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. ठीक, तो सबसे पहले रिसेप्टिकल्स को देखते हैं. इट इज द बेस ऑफ द फ्लावर वेयर ऑल द फ्लोरल ऑर्गन्स सच एज पेटल, सेपल और स्टैमेन आर अटैच. रिसेप्टिकल वो भाग होता है जहां पर प्लांट के ये सारे पार्ट कौन कौन से, पेटल, सेपल और स्टैमेन अटैच होते हैं. अटैच होते हैं यानी कि फिर से अगर हम डायग्राम को देखें तो ये रहा हमारा रिसेप्टिकल वाला पोर्शन. ठीक, जहां से ये जो सारे पार्ट हैं वो जुड़े हुए हैं. आप ध्यान से डायग्राम में देख रहे होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है, ये फिलामेंट, पेटल, ये सब कुछ कहां से जुड़ा हुआ है, रिसेप्टिकल वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है. दूसरा सेपल होता है. सेपल लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड एट द बेस ऑफ द फ्लावर प्रोटेक्ट द फ्लावरिंग ड्यूरिंग द बडिंग. सेपल क्या होते हैं, जो ग्रीन पार्ट निकला होता है ना फ्लावर के नीचे, जैसे कि आप लोगों ने जासून के फूल में देखा होगा, रोजेस में देखा होगा, दो एग्जांपल मैंने इजी टू गोइंग आपको दिए हैं. तो वहाँ पर सेपल्स निकले होते हैं, छोटी छोटी हरी पत्तियाँ होती हैं. ठीक, वो हरी पत्तियाँ क्या करती हैं, वो बेस बनाती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं. प्रोटेक्शन का काम बडिंग स्टेज यानी कि जब वो कली अवस्था में रहते हैं, बडिंग स्टेज में रहते हैं, तब ये सेपल जो होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. और ये किस कलर में दिखाई देते हैं, ग्रीन कलर में दिखाई देते हैं. दूसरे होते हैं पेटल्स, ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, कलरफुल, डेलिकेट पार्ट होते हैं भाई फ्लावर का ये. ठीक है, पेटल्स कहे जाते हैं. ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन के लिए, पॉलिनेटर्स को यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको अटैक्ट करने का काम करते हैं. ठीक, स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, कंसिस्टिंग फिलामेंट एंड एंथर, ये पॉलिन प्रोड्यूस करेगा यानी पराग के दाने, जैसे मैंने पहले बताया पराग के कणों का निर्माण या पॉलिन ग्रेन फॉर्मेशन में मदद करेगा. ठीक है, अगला होता है कार्पल, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या कंसिस्ट करेगा, मेन तो इनका ओवरी होता है, बाकी स्टिग्मा स्टाइल क्या करते हैं, जो पॉलेन ग्रेन है उसको एक्सेप्ट करने का काम करते हैं. ठीक है, देखिए ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, स्टिग्मा दिख रहा है. ठीक है, ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया और ये ओवरी हुआ है. ठीक, अब ये जो एंथर वाला पार्ट है, अगर हम पॉलिनेशन को थोड़ा सा समझें, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा समझें कि भाई कैसे होगा, तो ये हमारे हो गए पॉलन ग्रेन, ये हो गया हमारा एंथर, ये बहुत सारे इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स हो गए. जब भी कोई इंसेक्ट जैसे कि भवरे होते हैं, ठीक है, मधुमक्खियां होती हैं, ये कोई भी इंसेक्ट जब आकर के इस वाले पार्ट के ऊपर जब सिचुएटेड होता है या बैठता है, तो क्या होगा, उनके पैरों पर ये जो पॉलन ग्रेन है वो चिपक जाते हैं. ठीक, चिपकने के बाद या तो वो किसी और पौधे के ऊपर जाकर के ट्रांसफर कर देते हैं पॉलन ग्रेन, या तो फिर इसी प्लांट पर आते हैं. तो यहाँ पर अगर वो आते हैं स्टिग्मा पर आते हैं, तो अगर हम स्टिग्मा को ड्रॉ करें, ठीक है, ये हमारा स्टिग्मा हो गया. ठीक है, ये स्टिग्मा वाला पार्ट हो जाएगा हमारा. तो यहाँ पर जब भी इंसेक्ट आकर के सिचुएटेड होगा, तो उनके पैरों से जो भी पॉलन ग्रेन है वो इसके सरफेस के ऊपर बैठ जाएंगे. जैसे ही वो सरफेस के ऊपर बैठेंगे, दोनों के बिटवीन एक केमिकल अट्रैक्शन होगा और ऑटोमेटिक जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो कुछ इस तरह से दिखता है. ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया उसका. ये पॉलन ग्रेन अपने आप से जनरेटिव ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा जो कि कहाँ पर इसके अंदर एंटर करेगी. यहाँ पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन है. ठीक, अपने आप ऑटोमेटिक एक ट्यूब जनरेट होगी जो कहाँ तक जाएगी, इसके ओवरी के सीड्स तक पहुँचेगी. तो इस तरह से ये पॉलिनेशन करके सीड को जर्मिनेट या फिर ओव्यूल को फर्टाइल करने का काम करते हैं. अगेन अपने टॉपिक पर, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जो दो पोर्शन है वो आपस में कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं. ठीक, तो ये हमारी बात हो गई पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. हम वेजिटेटिव पार्ट्स पर अगेन आते हैं. वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर कंपोनेंट द सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर. वही लाइनें फिर से रिपीट हो रही हैं. ठीक है, वही चीज़ें सब कुछ रिपीट हो रही है. तो यहाँ पर इसको अलग से डिफ्रेंशिएट किया गया. अभी पेटल यानी कि फूलों की पत्तियाँ या फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जो कलरफुल होती हैं, उनको पेटल कहा जाता है. ठीक है, और सेपल यानी कि जो ग्रीन पार्ट होता है जो आपको यहाँ दिख रहा है, वो सेपल कहा जाता है.
ही अलग से उसको डिफरेंशिएट किया गया है इसमें, ठीक। अगेन उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, उसके फंक्शन को दिया गया है, तो आप एक बार इसको फिर से पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव पार्ट पर आते हैं। अगेन रिप्रोडक्टिव पार्ट उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल में दे रहा है। ये मैंने अभी जस्ट आपको एंथर का बताया था कि ये एंथर है, एंथर के अंदर देखिए काइंड्स ऑफ पॉली ग्रेन्स है, ये उसका फिलामेंट है, इसके फंक्शंस हैं ये, ठीक। पॉलिन प्रोडक्शन का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है, पॉलिन स्टेमेन का पॉलिन का प्रोडक्शन करना, ठीक है, मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन करना। ये हो गया हमारा फीमेल पार्ट, ये हो गया हमारा स्टिग्मा, जहाँ पर पॉलिन जो ग्रेन है वो आकर के फॉल डाउन होते हैं और यहीं से जनरेटिव ट्यूब जो है वो ओवरी के अंदर आती है, ये उसके फंक्शन है, ठीक। आगे ठीक है, मेन चीज कैलेक्स और कोरोला नाम से भी उसको जाना जाता है, ठीक है। तो कैलेक्स क्या होता है, कैलेक्स आर द आउटर मोस्ट होल्स मेड अप ऑफ सेपल्स, नहीं जो सेपल्स होते हैं, सेपल्स कहाँ देखे थे हमने, ये जो सेपल्स होते हैं ये क्या कहे जाते हैं, कैलेक्स कहे जाते हैं, इनका बॉटनिकल नेम क्या होगा, कैलेक्स होगा। और यही वाला जो पार्ट होता है जो प्लांट की सॉरी जो फ्लावर की पंखुड़ियां होती है ये क्या कहलाते हैं, कोरोला कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कोरोला कहलाते हैं, ठीक है। तो कैलेक्स का फंक्शन आउटर मोस्ट होल्स है मेड अप ऑफ सेपल्स है, कोरोला कोरोला आर द होल्स प्रेजेंट इनसाइड द कैलेक्स कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, पेटल्स से मिलकर बना हुआ होता है और कैलेक्स के अंदर या उसके इनसाइड पाया जाता है, ठीक। तो ये कैलेक्स और कोरोला के बारे में और ये इसके होल्स पार्ट्स, डायग्राम में आपको दिख रहा है, कार्पल फोर्थ होल में आएगा, स्टेमन थर्ड होल्स में आएगा, पेटल सेकंड होल में और सेपल जो है फर्स्ट होल्स में आएगा। तो भाई आपने अभी ये जो टिपिकल स्ट्रक्चर है फ्लावर का वो देखा मैंने आपको, उसके बारे में बताया कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, एग्जाम में आपको इतना तो खैर बहुत काफी डिटेल में हो गया है, पर इसको शॉर्ट में आपको सारे जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो डिटेल डिस्क्राइब करना। थैंक यू सो मच।